बात उस वक्त की है जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पैर जमाने की कोशिश में लगी थी, तो वही दूसरी तरफ नाना की मौत के बाद सिराजुद्दौला ने बंगाल का तख्त संभाला था। कम उम्र में सिराजुद्दौला को तख्तोताज मिलने से उनके कई रिश्तेदार जले भुने जा रहे थे। इसमें उनकी खाला घसीटी बेगम भी शामिल थी। नवाब बनने के थोड़े समय बाद सिराज ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। मीर जाफर कई सालों से बंगाल का सेनापति था। ये और बात है कि सिराज ने मीर जाफर के बजाय मीर मदान को तवज्जो देना शुरू कर दिया था। इस बात से मीर जाफर बहुत ज्यादा नाराज थे। असल में वो खुद नवाब बनने के सपने देख रहा था। भारत में पैर जमाने की कोशिशों में जुटे अंग्रेजों को भी इस बात की भनक लग गई और उन्हें पता लग गया कि नवाब सिराजुद्दौला का रोड़ा मीर जाफर के जरिए हटाया जा सकता है। तब अंग्रेजी सेना का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। वक्त आगे बढ़ा तो 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई शुरू हो गई। अंग्रेजों ने पूरी ताकत के साथ धावा बोला, लेकिन सिराजुद्दौला के साथ एक मजबूरी थी। वो अंग्रेजों के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा सकते थे। उन्हें उत्तर से अफगानी शासक अहमद शाह दुर्रानी और पश्चिम से मराठों के हमले का खतरा रहता था। लिहाजा एक हिस्से के साथ सिराजुद्दौला प्लासी पहुंचे। मुठभेड़ में मीर मदान की मौत हो गई। सलाह के लिए नवाब ने मीर जाफर को खत भेजा, तो मीर जाफर ने जंग रोकने की सलाह दी। इसे मानकर नवाब ने जंग रोक दी। इस दौरान मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को सारे हालात का जायजा दिया। इसके बाद अंग्रेजी सेना ने पूरे दमखम से धावा बोल दिया। इस दौरान सिराज की सेना को संभलने तक का मौका नहीं मिला। वो पूरी तरह पराजित हो गई। मीर जाफर को अंग्रेजों ने वफादारी का इनाम दिया और उसे बंगाल का कठपुतली नवाब बना दिया। लेकिन इतिहास में वो गद्दारी का सबसे बड़ा नाम बन गया। बंगाल के मुर्शिदाबाद में मीर जाफर की एक हवेली है। इसे नमक हराम द्योड़ी के नाम से भी जाना जाता है। प्लासी की लड़ाई में भागे सिराजुद्दौला को कुछ ही वक्त बाद मीर जाफर के सैनिकों ने पकड़ लिया था। 2 जुलाई 1757 को बेटे मीर मारन के आदेश पर सिराजुद्दौला को नमक हराम द्योड़ी में फांसी दे दी गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।